मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके मैग्नेटिज्म और मैटर के सेवेंथ लेक्चर में, और यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे वो तो जानेंगे, लेकिन जो लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो फटाफट से जाकर के पिछले लेक्चर देख लें ताकि चीजें आगे के लिए आसान हो जाए। तो बच्चों, हम लोगों ने कल फैराडे के द्वारा बताए गए कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में सुना था। क्या था? फैराडे ने बताया था कि हर पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक टेंडेंसीज होती हैं, और उस हिसाब से उन्होंने सब्सटेंसेस को तीन अलग अलग कैटेगरी में रख दिया था। पहली कैटेगरी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं हम लोग। अब पहली कैटेगरी जो है वो है आपकी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसके बारे में मैं बात करूं तो अगर इसे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज वो सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसे पदार्थ जिन्हें हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाएं तब वो क्षेत्र से क्षीण रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर हटने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए, वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, सारी कहानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से ही शुरू होती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर क्षेत्र द्वारा क्षीण रूप से प्रतिकर्षित होती है। मतलब धीरे धीरे पीछे हटना होता है, प्रतिकर्षित होती है ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, यह है कहानी। अगर मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूं तो यहां पर मेरे पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, और इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आपने कोई सब्सटेंस रख दिया, क्योंकि सब्सटेंस है तो इसमें पोलैरिटी तो होनी है, तो पोलैरिटी जो भी होगी वो, और इसके अंदर इंटेंसिटी जो भी होगी वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगी, मतलब फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे सेट हो रही है। तो इस तरीके की टेंडेंसी, ये इंटेंसिटी बताता है, इस तरीके की टेंडेंसी को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीजें बिना एग्जाम्पल के समझ में तो आती नहीं है। तो कॉपर हो गया, एजी हो गया, मतलब सिल्वर हो गया, और फिर उसके बाद आपका एयू हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O हो गया, मर्करी हो गया, फास्फोरस हो गया, NaCl हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि डायमैग्नेटिक कैटेगरी के अंदर में आते हैं, जैसे बिस्मथ वगैरह भी इसी में आता है। तो मैं बता दूं कि एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमें सब नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको जहन में आप रखेंगे, और भी एग्जाम्पल्स हैं, सारे लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायमैग्नेटिक की कहानी क्लियर हो रही है कि जो फील्ड में जाने के बाद क्षीण रूप से प्रतिकर्षित हो। अब इसको समझना है इसकी प्रॉपर्टीज से, तो आइए फटाफट से डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी पे थोड़ी डिस्कस करते हैं। ओके, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो इसको प्रतिचुंबकीय बनाते हैं, मतलब गुण, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी बच्चों, पहला,
तो देखने के वाली बात ये होगी कि अगर मैं इसे ऐसे पदार्थ जैसे जिसे हम किसी फील्ड में रखते हैं, फील्ड से ये क्षीण रूप से प्रतिकर्षित हो, तो अगर मैं इसे दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल के बीच में रख दूं, ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है और मैंने किसी सब्सटेंस को कुछ इस तरीके से रख दिया ऐसे, और इसको बीच में फिक्स कर दिया ताकि ये इधर उधर न जाए, तो ऐसे ये सब्सटेंस जो है ये है आपका डाई मैग्नेटिक, ऑफ कोर्स डाई मैग्नेटिक है, तो डाई मैग्नेटिक है और यहां पर आपने मैग्नेटिक पोल्स को रख दिया, लेकिन ये ऐसे रह नहीं पाएगा, ये आपका जो पोल है वो शिफ्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, मतलब कि क्षेत्र से क्षीण रूप से प्रतिकर्षित होकर के क्षेत्र के लंबवत हो जाने की कोशिश करेगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया आपका जो बिहेवियर है मतलब सब्सटेंस का कुछ इस तरीके से हो गया, ये सब्सटेंस कोई और नहीं डायमैग्नेटिक है, फील्ड से देखिए रिपेल होके इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर ये आपके पास पाउडर के फॉर्म में है, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में बहुत छोटे, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो आपने क्या किया कि छोटे छोटे टुकड़ों को आपने मैग्नेटिक पोल्स कुछ पर एक वॉच ग्लास कांच के पर्टिकुलर कटोरी नुमा स्ट्रक्चर पर आपने इस छिलन को रख दिया, तो पहले तो आपने रखा होगा ऐसे, लेकिन ये शिफ्ट होकर के आपकी पोलैरिटी के बेसिस पर नया स्ट्रक्चर ले लेता है और वो कैसा होगा, वो फील्ड से रिपेल होकर के कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा रिपेल हो गया और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से रिपेल होकर के कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेगा। और भी देखते हैं, अगर मैं बात करूं हमारे पास कोई लिक्विड है, जैसा कि मैंने NaCl वगैरह के बारे में बात किया, H2O के बारे में बात किया, तो ये मेरे पास कोई यू ट्यूब है, यू ट्यूब आप समझ ही रहे होंगे, तो ये कोई यू नली है, इस यू नली में आपने कोई लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड आपने भर दिया हुआ है, ये लिक्विड भर रखा हुआ है, इस लिक्विड को भर करके आप यहाँ पे मैग्नेटिक पोल एन और एस लेकर के आ रहे हैं, जैसे ही मैग्नेटिक पोल एन और एस लेकर के आते हो तो ये यहां से वीकली गिर जाता है और यहां पर इसके ऑपोजिट में थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, तो ये टेंडेंसी देखने को मिली लिक्विड वाले केसेस में। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हुई, और भी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करूं, तो यहां पे अगर मैंने कोई ये कोई सब्सटेंस रख दिया, कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर से ही मतलब इस पदार्थ के बाहर से निकल जाएगी, इसके अंदर नहीं आएगी, और ऐसे केसेस में ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, डायमैग्नेटिक मतलब कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और ये बेसिकली कौन है, ये आपके अति चालक है, अति चालक पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे फील्ड लाइंस बाहर से बहुत तेजी से ही निकल जाएंगी, मतलब बाहर से ही निकल जाएंगी और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर शून्य होता है, जीरो होता है, वहां पे कोई मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को नहीं मिलता, जबकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो है मतलब बाहर की ओर निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होने के कारण बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाता है। इस तरीके की कैटेगरी को हम लोग कहते हैं मीजनर इफेक्ट, मीजनर मीजनर इफेक्ट। आई रिपीट कि अगर हम किसी ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जिससे फील्ड लाइंस तेजी से बाहर से निकल जाती है, ऐसे केस में ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं, मतलब अतिचालक पदार्थों के बाहर से फील्ड लाइंस के निकल जाने की प्रक्रिया को, इस इफेक्ट को हम मीजनर प्रभाव कहते हैं। मीजनर प्रभाव देखने को मिला था अतिचालकों में, केवल ऐसे ही नहीं, हमारे पास अगर कोई मेटल की रिंग है तो मेटल की रिंग के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, अगर मेटल की रिंग को अगर इस तरीके से रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर नहीं पहुंचती, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो ये सब एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर ये मेटल की रिंग मतलब आयरन की रिंग हो
आयरन की रिंग हो, तो आयरन की रिंग के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही पहुंचती है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंचती है, बाहर ही रह जाती है। ये यही कारण है कि आप घड़ियों वगैरह में ये रिंग तरीके की एक स्ट्रक्चर देखते हो, ताकि ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब होकर के आपके निडिल के मोशन पर कोई इफेक्ट न डाले, अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जीरो रहता है। बात समझ आ रही है? तो ये सब छोटी छोटी स्ट्रक्चर हो गए। अब चलते हैं फटाफट और इसके अनदर प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करते हैं। अनदर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब चुंबकन प्रवृत्ति के बारे में, चुंबकन प्रवृत्ति के बारे में, तो इसकी चुंबकन प्रवृत्ति जो है काई ऑफ एम वो नेगेटिव होती है, क्योंकि ये फील्ड्स मैंने क्या बोला था पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो नेगेटिव होती है, और नेगेटिव छोटी होती है। नेगेटिव मतलब आप समझ ही रहे हैं, ऋणात्मक, नेगेटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव एंड स्मॉल। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, मतलब एच और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ देता है, ये छोटा और नेगेटिव एक्सिस में चला गया, तो ये आपको देखने को मिला आई के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं अगली की बात करूं, मतलब ताप के प्रभाव की बात करूं, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में बात करूं, तो टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर कैसा होगा, तो मैं बता दूं टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर नहीं होता, मतलब पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप टेम्परेचर कुछ भी रखिए, ऐसे पदार्थों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो अनइफेक्टेड होती है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं ये काई ऑफ एम और टेम्परेचर के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ते भी जाएगा तो भी इसकी मैग्नेटिक टेंडेंसी जो है वो क्या रहेंगी, नियत रहती है, नहीं प्रभावित होती है। ये बात भी अच्छी है। ओके, अब बात करते हैं इसके मैग्नेटिक परमेबिलिटी पर, ठीक है। तो परमेबिलिटी मतलब चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, तो मैं बता दूं इसकी चुंबकशीलता जो है मतलब कि म्यू की वैल्यू जो होगी, इसकी म्यू की वैल्यू वायु के निर्वात के चुंबकशीलता की वैल्यू से कम होते हैं। ध्यान दीजिएगा ये पदार्थ की चुंबकशीलता है, डायमैग्नेटिक के लिए है, ये डायमैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करता है, तो डायमैग्नेटिक के लिए जो भी चुंबकशीलता होगी वो निर्वात से क्या होगी, छोटी होती है, ये निर्वात के लिए होता है, निर्वात की चुंबकशीलता से छोटी होती है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि बी की वैल्यू छोटी होगी किससे, बी नॉट से, ये याद रखने वाली बात हो गई। एक और पॉइंट नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं देखने की बात करूं नाइन्थ, अब अपेक्षिक चुंबकशीलता के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अपेक्षिक चुंबकशीलता मतलब अगर इसकी मैं अपेक्षिक चुंबकशीलता के बारे में बात करूं, अपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता निकाल सकते हैं क्योंकि आपको काई ऑफ एम की वैल्यू पता है, तो इसकी म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, एक से का मान एक से थोड़ा छोटा होता है, एक से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। इसका मतलब म्यू आर इज लेस देन वन, या लेस देन वन भी कह सकते हैं। ये म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, किसके लिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो ये जो भी बातें हमने करी वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में करी। इस तरीके से अगर मैं बात करूं किसके लिए, अब पैरामैग्नेटिक बैलेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अणु चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थों को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं,
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन वैसे ही होगी जैसे कि आप डायमैग्नेटिक का निकाले थे, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ चेंज होता है। और इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ वीकली रिपेल हो रहे थे वो वीकली क्या होंगे, फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। मतलब ये होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने जो आउटसाइड के लिए कुछ इस तरीके से डिजाइन करा हुआ था, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई सब्सटेंस ऐसे रख दिया जाएगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें जैसे ही रखेंगे तो ये वीकली कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ये इसकी इंटेंसिटी आई को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ऐसे केसेस में आपका जो सब्सटेंस वो फील्ड से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो वह पदार्थ जो क्षीण रूप से, परिभाषा बच्चों वही रहेगी, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, क्षीण रूप से क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बाकी सारी कहानी पिछले जैसी है, इसमें हम किसी भी तरीके का चेंज नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये प्रॉपर्टी देखने को देते हैं, तो हमें बता दूं मोस्ट ऑफ ईएम वर्ड, ईएम जैसे फॉर एग्जाम्पल ईएम का मतलब होता है एल्यूमिनियम, ओके, कैल्सियम, प्लैटिनम, ओके। तो इस तरीके से एक है, जैसे कुछ एक्सेप्शंस भी है, मैग्नीज, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कैल्शियम के अलावा कॉपर सल्फेट, CuSO4 एक्सेट्रा। तो मोस्ट ऑफ ईएम वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ ईएम वर्ड में जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, प्लैटिनम वगैरह आ रहे हैं, सोडियम वगैरह आ रहे हैं, तो ये सब भी इसमें ही शामिल होते हैं। और ये सारे जितने भी आपने यहाँ पे एग्जांपल देखे, और भी एग्जांपल्स होते हैं जिनको सबको लर्न करने की जरूरत नहीं होती, कुछ बेस एग्जांपल्स आपके जहन में होने चाहिए। तो ऐसे एग्जांपल्स जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर में आते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर भी प्रॉपर्टीज होगी, जो सारी प्रॉपर्टीज आपने वहां देख रखी थी वैसी ही प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अगर कोई सब्सटेंस रख दूं, तो ये सब्सटेंस कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, जहां पर आपके फील्ड के डायरेक्शन से ये अलाइन हो जाता है। फील्ड का डायरेक्शन N2S है, तो ये भी N2S की ओर अलाइन हो जाएगा। तो ये बीच में से फिक्स अगर होगा तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, मेरे पास कोई पाउडर्ड मटेरियल है, पाउडर्ड मटेरियल में कुछ भी हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, तो इसको अगर मैं वॉच ग्लास पर रख दूं और कुछ वॉच ग्लास पर रख दूं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पोल से अट्रैक्ट होकर के कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर यही अगर मेरे पास लिक्विड होगा बच्चों, अगर लिक्विड होगा तो ऐसे केस में लिक्विड के लिए यू नली में अगर मैं स्ट्रक्चर इसका देखने की कोशिश करूं, तो ये आपकी यू नली हो गई, ये यू नली हो गई। इस यू नली के पास मैग्नेटिक पोल्स रख दिया आपने, मैग्नेटिक पोल्स रखते ही इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, जैसे कॉपर सल्फेट का लिक्विड भर दिया, तो कॉपर सल्फेट के लिक्विड हो गए, तो ऐसे लिक्विड जो है वो पोल की ओर अट्रैक्ट होकर के एक जगह थोड़ा ज्यादा चढ़ जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, और भी इफेक्ट है, और भी प्रॉपर्टीज है जो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं इसके चुंबकन प्रवृत्ति के बारे में बात करूं, चुंबकन प्रवृत्ति, तो चुंबकन प्रवृत्ति मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो आपको पता ही है इसके अंदर मैग्नेटिक टेंडेंसी मतलब कितना है ये बताता है, क्योंकि अट्रैक्ट होता है तो इसकी काई ऑफ एम की वैल्यू कैसी होगी, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव लिख सकते हैं आप, पॉजिटिव और छोटी ही होती है, ठीक है, स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, स्मॉल होती है, ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं एस और आई के बीच में, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होता है, जिसमें आई की वैल्यू और एच की वैल्यू के बीच में ग्राफ थोड़ा स्लोप कम होता है, ओके। अगर मैं इस पर टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में बात करूं, टेम्परेचर का इफेक्ट मतलब ताप का प्रभाव, तो इसमें ताप का जो प्रभाव है वो जाना जाता है क्यूरी के नियम से, क्यूरी के नियम से, क्यूरीज लॉ,
क्यूरी का नियम, क्यूरी का नियम मतलब यहां पे अनुचुंबकीय पदार्थों में ताप का प्रभाव क्यूरी का नियम कहलाता है। इसमें यह पता चला कि जैसे जैसे किसी पदार्थ का मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ा जाता है उसकी मैग्नेटिक टेंडेंसी इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है मतलब घटती है। मतलब ये कह सकते हैं कि काई ऑफ एम प्रपोर्शनल टू वन अपॉन टी या इनवर्सली प्रपोर्शनल टू टी, ये वस्तु के पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ के बारे में बात करूं तो इसका ग्राफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा, काई ऑफ एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, जिसके ग्राफ की ज्यादा जरूरत तो नहीं होती है। ध्यान में रखिएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको कैसा होगा पता होना चाहिए, सी बाई टी। ये सी क्या है, जहां पे सी क्या है क्यूरी कॉन्स्टेंट, सी क्या है क्यूरी का नियतांक, क्यूरी नियतांक है। ध्यान दीजिए तो यहाँ पे काई ऑफ एम के चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं, काई ऑफ एम की वैल्यू आपको पता ही है, काई ऑफ एम की वैल्यू होती है आई बाई एच और यहाँ पे सी बाई टी, यहाँ अगर आई निकाल रहा होगा तो एच बाई टी इंटू सी। ये हो गया एक और फॉर्मूला क्यूरी लॉ से रिलेटेड, जहां पे सी आपको क्या मिलता है, सी आपको क्यूरी कॉन्स्टेंट को बताता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी घटती जाएगी। तो ओके, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर का इफेक्ट क्यूरी का नियम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी चुंबकशीलता, इसकी चुंबकशीलता के अगर मैं बारे में बात करूं, क्योंकि ये फील्ड से अट्रैक्ट होता है तो इसकी बी की वैल्यू जो है वो निर्वात की में चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा होता है ऑफ कोर्स। तथा एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है ये भी आपके म्यू नॉट से कुछ ज्यादा ही होती है। ओके, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, अगर मैं इसको फील्ड में रख दूं, ऐसे किसी पदार्थ को ये लीजिए फील्ड में रख दिया, तो बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कुछ इस तरीके से फील्ड के अंदर हल्का हल्का बेंट होता जाता है, अट्रैक्ट होता जाता है, ये लीजिए अट्रैक्ट होता जा रहा है। तो इस तरीके की टेंडेंसी देखने को मिली है किसमें, पैरा मैग्नेटिक सस्टांस में, ये अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात हुई। और भी अगर मैं बात करूं जिसके अपेक्षित चुंबकशीलता के बारे में बात करूं, अपेक्षित चुंबकशीलता इसकी कैसी होगी, तो इसकी अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर की वैल्यू एक से बड़ी होगी, ध्यान देने वाली बात है, ज्यादा बड़ी नहीं। तो हमने क्या देखा कि यहां पर म्यू आर की वैल्यू एक से बड़ी थी और आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आर की वैल्यू एक से छोटी हुआ करती है, ज्यादा बड़ी नहीं ज्यादा छोटी नहीं, एक से कुछ बड़ी होती है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कुछ बड़ी होती है, ठीक। तो ये हो गई आपकी अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की कहानी खत्म। अब हम लोग बात करेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ, उसके लिए आपको करना होगा अगले लेक्चर का इंतजार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगले लेक्चर का वेट करिए।